श्रोताओं नमस्कार। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री उमराव सालोडिया, जो कि प्रमुख शासन सचिव साहित्य कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत है। और बाड़मेर प्रवास के दौरान आपने हमें समय दिया है हमारे श्रोताओं के लिए। सालोडिया साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सालोडिया साहब, सबसे पहले तो इस मरुभूमि में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चूंकि राजस्थान वैसे भी कला साहित्य का एक खजाना सा है, और इस मरुभूमि में जो भी मेहमान आता है उनको हम सर आंखों पर बिठाते हैं, आपका भी उसी कड़ी में स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे श्रोताओं को कला साहित्य की जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार राजस्थान में बिखरी हुई कला संस्कृति पुरातत्व विभाग और साहित्य के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। आपने बहुत सही कहा, राजस्थान की भूमि अपनी संस्कृति कला और साहित्य के लिए न केवल देश में अपितु विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध रही है। और राज्य सरकार का ये प्रयास रहा है कि इन सभी कलाओं को साहित्य को बढ़ावा मिले। यहाँ के जो लेखक हैं, जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको भी समुचित अवसर मिले, उनको समुचित प्रोत्साहन भी मिले। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार ने अग्रणी रहते हुए जी कई क्षेत्रों में अकादमी स्थापित की, विभाग स्थापित किए। जैसे संगीत नाटक के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है जी, और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में कार्यरत है जी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में कार्यरत है। उसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है, संस्कृत अकादमी जयपुर में है जी, और सिंधी अकादमी, ब्रजभाषा अकादमी। कहने का तात्पर्य है कि सभी भाषाओं को समृद्ध और उन्हें व्यापक प्रोत्साहन हेतु ये अकादमी की स्थापना की। और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे ललित कला, राजस्थान ललित कला अकादमी है, जो हमारे फाइन आर्ट्स हैं जी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो स्कल्पचर हो जी, वास्तुकला हो, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में कार्यरत है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हम लोग पूरे वर्ष चलाते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं, बहुत सारे आयोजन वहाँ होते रहते जी हैं। और दिल्ली कथक केंद्र के ही पैटर्न पर जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना भी आज से कोई 30 साल पहले की गई थी जी। और रविंद्र मंच है, और उसके अलावा पुरातत्व विभाग में भी जो हमारी धरोहर हैं, जो स्मारक हैं जी, जो पुरा संपदाएं हैं, जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीजें हैं जो कालांतर में अवशेषों में रह गई हैं जी, उनको हम पुरा संपत्तियां कहते हैं जी जी। और उसके अलावा जो स्मारक बचे हुए हैं, चाहे वो किले के रूप में हो, चाहे मंदिरों के रूप में हो, पूरे राजस्थान में फैले हुए, उन सबका संरक्षण संवर्धन, उनमें किस प्रकार से हम लोग उनका वापस उसको मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करते हैं, कम से कम उसमें आगे उसमें खराबी नहीं आए। सालोडिया साहब, बाड़मेर जिला है, मरुभूमि कहलाता है, यहाँ भी संस्कृति अनेक रूपों में बिखरी हुई पड़ी है। यहाँ के कलाकार, यहाँ के रेत के धुरों का संगीत, और रेत के समंदर में चांदनी रात में जब सारंगी बजती है, कमाईचा बजता है, तो उसके क्या कहने। तो इन राजस्थान की राजधानी जयपुर से बहुत दूर इन धुरों में बिखरे हुए इन कलाकारों के लिए भी सरकार कुछ कर रही है, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे हमारा विभाग हो, जवाहर कला केंद्र हो, चाहे उत्तर हमारा जो पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र है जी, वो उदयपुर में है। उन सभी के माध्यम से हम लोग इन कलाकारों को जी राज्य में ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी भेजते रहते हैं। आप महसूस करते हैं, चाहे अपने लंगाज हैं, बाड़मेर के हैं, मंगलियार्स हैं जी, उसके अलावा
राज्य के पूरे हमारे कलाकारों की एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी भी अभी बहुत व्यस्त है इन कार्यक्रमों को देने के लिए, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। जी जी। और जितने भी हमारे सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र हैं भारत सरकार ने जो 1986 में स्थापित किए थे, जी, उनमें भी हम लोग एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत में हमारे कलाकार को भेजते रहते हैं, वहाँ के कलाकार यहाँ आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ ये आलम है राजस्थान के कलाकारों का कि बहुत व्यस्त रहते हैं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। अच्छा। और कभी हाँ हमको अगर उनसे कभी समय लेना होता है तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप कब व्यस्त हैं, कब फ्री रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के स्थानीय कलाकार देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर भी अपनी कला का जादू बिखेरते रहते हैं, और ऐसे में कलाकारों की वाहवाही तो होती ही है, साथ ही राजस्थान राज्य की पहचान पूरे विश्व में छा जाती है। सलोनी साहब, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, सरकार की योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, मसलन की जो मंगनियार की बात होती है, लंगोंस की बात होती है, तो कुछ पीढ़ी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बाहर देती रहती है, लेकिन कुछ कलाकार आज भी ऐसे हैं जो खाने को भी मोहताज है, कला की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन तक वो योजना कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या कोई ऐसी योजना विभाग में है? पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर में इस प्रकार की योजना है जिसमें हम ऐसी डाइंग आर्ट्स को जी संरक्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जी हम लोग करते हैं। उसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उसकी भी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं कि उनको जैसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत ऐसी योजनाओं के तहत हम लोग उनको लाभान्वित करते हैं, ताकि जैसे उदाहरण दूं, उदयपुर में मांगी बाई है, बहुत अच्छा गाती हैं मांड, और उनको हमने प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया हुआ है, और वो उदयपुर में रह करके और वहाँ पे उस परंपरा को अपने शिष्यों के माध्यम से सिखाती हैं। उसी प्रकार से अन्य कलाकारों को भी हम लोग अपने विभिन्न जिलों में प्रयास करते हैं कि जहाँ जहाँ कलाकार, चाहे वो संगीत का ही नहीं, चाहे वो वास्तुकला के हों, चाहे वो चित्रकला के हों, और वो भी कोई भी कला के हों, उनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के तहत। अच्छा। और उनको उसमें प्रोत्साहन मिलता रहता है, कुछ राशि भी मिलती है? जी हाँ जी हाँ जी, उनको राशि भी देते हैं लोग, प्रत्येक छात्र के हिसाब से देते हैं उनको, और उनके अलावा जो जो सिखाने वाले हैं जी उनको भी हम देते हैं जी। इन कलाओं के साथ साथ में एक जो लुप्त होती हुई कला है वो है लोक नाट्य। राजस्थान में लोक नाट्य जैसे रम्मत है, कुचामनी ख्याल है, उनका बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में कुछ नामी गिरामी नागौर के कलाकार है वही कुचामनी ख्याल तक सीमित रह गए, या रम्मत का कहें तो बीकानेर का कुछ हिस्सा वही सीमित रह गया, राज्यों के अन्य हिस्सों में इस कला का निरंतर विकास संभवतः नहीं हो पाया है। इसी तरह आधुनिक रंगमंच है, तो आधुनिक रंगमंच में हालांकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है वो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अभी कुछ हाल ही के समय में ऐसा सुनने में आया था कि उसका बजट बहुत सीमित सरकार ने कर दिया और इस क्षेत्र के विकास का एक काम अवरुद्ध सा हो गया, इस बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को आप देना चाहेंगे? नहीं, वो बजट फाइनलाइजेशन कमेटी होती है हमारी, पर उसमें चर्चा चली थी कि बजट कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। और वो बजट है भी सभी अकेडमीज में, और बजट की कोई समस्या नहीं है जी। जहाँ तक आपने नाटकों की बात की जी, चमन ख्याल रम्मते जी, उसी पर भर्तरी प्ले करते हैं। हाँ, अलवर में, अलवर की तरफ जी, तो प्रयास ये रहता है कि हमारा इन न केवल हमारी जो स्थानीय परंपराएं हैं उनको हम संरक्षण देते हैं, बल्कि उसके अलावा बाहर से भी हम लोग बुलाते हैं जी। जयपुर में हम लोगों ने जवाहर कला केंद्र में फ्राइडे थिएटर के नाम से योजना चलाई है। अच्छा अच्छा। जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे नाटककार हैं वो लोग आकर के वहाँ प्रस्तुतियां दें, हर शुक्रवार को वहाँ प्रस्तुतियां दिलवाते हैं जी जी, और उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं। अच्छा। और ताकि वो वहाँ रह कर करें। इसके अलावा रविंद्र मंच पर नियमित रूप से हमारे कलाकार प्रस्तुति देते रहते हैं। उसी प्रकार से संगीत नाटक अकादमी के सभागार हैं,
वहां भी हम देते रहते हैं, मंचीकरण योजना की प्रस्तुति, वहां करते रहते हैं हम लोग, तो प्रयास हम पूरा करते हैं और कोशिश ये भी करते हैं कि इन अकादमी के माध्यम से इन मुख्यालयों के अलावा भी हम लोग अन्य स्थानों पर, जैसे उदयपुर में हम लोग करते हैं, उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र है, उसके माध्यम से हम लोग काफी नाटकों को यहाँ भी कराते हैं, देश के दूसरे भागों में भी कराते हैं। जी, उदयपुर तो संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही धनी रहा है, वह भारतीय लोक कला मंडल बहुत सक्रिय है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बहुत सारे आयोजन गुजरात और राजस्थान राज्यों को मिलाकर, महाराष्ट्र को मिलाकर करते हैं। हाँ, उनके उनके माध्यम से हम लोग दूसरे प्रांतों में ले जाते हैं। जी, कुछ हमारे ख्याल है, चाहे रमते हैं आपके, इनको भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो परंपराएं हैं ये चलती रहे। जी, और दूसरे मेलों में भी हम लोग ले जाते हैं इनको, जैसे राज्य स्तरीय जो पर्यटन विभाग के मेले हैं, वहां भी हम लोगों को नाट्य कलाओं को हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं। जी, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले। जी, और हम शीघ्र ही एक साहित्यकार और कलाकार कल्याण कोष चालू करने वाले हैं। जी जी, जिसकी सहमति हो गई है सीएम साहब से, और वो राजस्थान साहित्य अपनी संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के माध्यम से संचालित होगा। अच्छा, उसमें न केवल हम लोग कल्याण कोष के माध्यम से, जो हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस कला के लिए और अगर वृद्धावस्था में उनको कोई सहायता देनी हो तो हम उनको चिकित्सा सहायता भी दे सकते हैं, उनके भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता हम देंगे। जी जी, ये तो बहुत अच्छी योजना है, खासतौर से उन कलाकारों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला के लिए सिंचित किया है और अब अंतिम समय में उनको परेशानी हो रही है। जी जी, तो उसमें सरकार बहुत सहायक सिद्ध होने का प्रयास करी। एक करोड़ रुपए की योजना है, हम चालू कर देंगे हम लोग उसको। अच्छा, 1 करोड़ रुपए से हम लोग चालू करेंगे, जहाँ भी हमको ऐसा मांग आएगी या हमको सूचना आएगी जी कि हम लोग उनको आवश्यक सहायता पहुंचाएंगे। बाड़मेर के कला की बात करें तो वैसे तो यहाँ बहुत सारी कला है, कई कलाओं का विविध रूप है, एक पूरा संग्रह है, पूरा समंदर है बाड़मेर कलाओं के लिए, लेकिन एक कला है गैर कला, जो कि खासतौर से शीतला सप्तमी के अवसर पर दिन रात लगातार 7 दिन तक गैर चलती है, डांडिया गैर। तो उस कला का प्रदर्शन वैसे तो कुछ संगठन अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों में जाकर भी करते हैं, तो उसके लिए कोई योजना, साथ ही बाड़मेर में किराड़ू का प्राचीन मंदिर है, पुरातत्व की दृष्टि से 10वीं-12वीं शताब्दी के मंदिर है, तो उसके लिए कोई खास योजना आपके विभाग के पास है? मैं चूंकि बाड़मेर आया हुआ था तो हमारे 4 संरक्षित स्मारक हैं। जी, सिवाना दुर्ग, किराड़ू के मंदिर, जी देव का शिव में है, वहाँ सूर्य मंदिर, देव का सूर्य मंदिर भी है और विष्णु मंदिर दोनों आमने सामने है। जी, और विश्व कला में जोगमाया या जो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, मैं चारों जगह देखे आया। जी, मुझे यहाँ भी पता चला कि जूना पत्रासर में भी पुराने अवशेष हैं मंदिर के। हाँ, तो वहां भी मैं गया। जी, और उनके कुछ फोटोग्राफ्स में लेके आया हूँ। अच्छा, वैसे शायद मुझे लगा कि जूना पत्रासर में भी काम हुआ था, लेकिन पहले उसकी चर्चा करें जहाँ जो हमारे विभाग के सीधे अधीन में है। हाँ हाँ, किराड़ू में पहले भी काम हो चुके हैं। जी, चाहे अकाल सहायता के माध्यम से हो, चाहे जिला स्तर पर हो, हमारे विभाग के माध्यम से भी हुए हैं। तो वहाँ अभी थोड़ा काम करने की जरूरत है, वहाँ कुछ चीजें मैंने पाई है, कमियां पाई है, उनके बारे में करूँगा। सिवाना दुर्ग के बारे में भी पहले काम हुआ था, लेकिन कुछ न्यायिक प्रक्रिया के चलते वहाँ काम रोकना पड़ा। जी, कुछ कोर्ट केस हुआ, उत्खनन का मामला था उत्खनन के अलावा, और यहाँ भी हमने काम किया है, देवका में भी और विश्वकला में भी काम हुआ है। विश्वकला में और जरूरत है काम की। जी, तो मैं ये जो चारों पांचों जगह देख के गया हूँ जी, उन पे हम कोशिश करेंगे कि बाड़मेर को भी अपना न्यू शेयर मिले। जी, ये तो आप इसको संवर्धित करके एक अच्छा रूप पुनः दे देंगे, लेकिन जब ये अपने पूरे पुनः खोए हुए स्वरूप में आ जाएंगे तो उसके बाद बात रहती है पर्यटकों की, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से पड़ोसी जिला जैसलमेर बहुत ही धनी है, लेकिन बाड़मेर में अभी इतने पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, तो पर्यटकों को बाड़मेर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसमें देखिए सबसे जरूरी चीज है कि जिला प्रशासन जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और उनको एक एक योजना बनानी पड़ेगी, कार्य योजना बनानी चाहिए, मेरे ख्याल से बनाई होगी उन्होंने, और जिला स्तर पर एक योजना बना करके और विभिन्न विभागों से क्या क्या
आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से हो सकता है कि क्योंकि पूरा इसमें आधारभूत ढांचे से लेकर के और सभी चीजों का एक समावेश होना चाहिए। जी जी, राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक एक योजना का स्वरूप नहीं लेगी, जिला स्तर से योजना तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं, सभी विभागों के माध्यम से मतलब उसमें यह है कि पर्यटन विभाग जैसे मेला आयोजित करता है लेकिन वो साल में एक बार का हो जाता है। जी बिल्कुल, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आधारभूत ढांचा हो, सभी सुविधाएं हो। जैसे बाड़मेर बहुत खुशी की बात है कि ऊर्जा की अन्य कई योजनाओं के माध्यम से और जो केएन एनर्जी है, केएन इंडिया है या गिरल थर्मल पावर स्टेशन है, राजवेश पावर है, बिल्कुल इनके माध्यम से और जो इसमें भंडार मिले हैं तो उसमें आर्थिक विकास तो होगा। बिल्कुल, आर्थिक विकास के साथ में यहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे। राजस्थान में कला संस्कृति साहित्य और पुरातत्व के लिए वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी स्तर पर बहुत सारी अकादमियां हैं जो अपने अपने स्तर से कार्य कर रही है, लेकिन जहां तक अन्य राज्यों की बात है, अन्य राज्यों में एक उदाहरण देखने को मिलता है कि राजधानी में ही सभी तरह की कला संस्कृति साहित्य संबंधी जो विभिन्न अकादमियां या संगठन है वो एक जगह एक ही भवन में स्थित होते हैं ताकि कलाकारों की जो पहुंच है वो एक जगह से सीधी आनी जानी हो, लेकिन राजस्थान इसका अपवाद है। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, साहित्य अकादमी उदयपुर में है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर में है, सिंधी अकादमी जयपुर में है, अलग अलग बिखरी हुई है। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर अलग है, इस तरह के जो अन्य सांस्कृतिक केंद्र है वो अलग अलग जगह पर है। तो इस बारे में क्या राज्य सरकार कोई एक ही जगह पर सभी कलाओं के संगम को स्थापित करने का विचार रखती है? वैसे तो जवाहर कला केंद्र केंद्रीय संस्थान है हमारा, जहां ये सभी अकादमी अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करती हैं। जी, शुरुआत में हमने ये प्रयास किया है कि जयपुर शहर में स्थापित जितनी भी अकादमियां हैं हमारी, राजस्थान ललित कला अकादमी है, सिंधी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, ब्रजभाषा अकादमी है जी, पंजाबी अकादमी है और जितनी संस्कृत अकादमी है जी, इन सबको हम एक एक ही बिल्डिंग में, एक ही कॉम्प्लेक्स में करने के प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में भी ये घोषणा की थी जी कि जयपुर में एक अकादमी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अच्छा अच्छा, और हर्ष का विषय है कि उसमें जमीन हमारे पास है। अच्छा, और बजट भी है और इसी वित्तीय वर्ष में, अभी तो ये चुनाव की वजह से अभी आचार संहिता आ गई है जी। और मेरे ख्याल से निकट भविष्य में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक ही जगह ये सब चीजें हो जाएगी। एक प्रश्न हम और करना चाहेंगे कि राजस्थान में जितने भी कलाकार बिखरे हुए पड़े हैं जो कला के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन कलाकारों के लिए क्या क्या पुरस्कार की कोई योजना है? अलग अलग क्षेत्रों में जैसे संगीत है, नाटक है, भाषा है, साहित्य है, पुरस्कारों के लिए क्या योजना है? सभी अकादमियां, चाहे वो साहित्य की हो चाहे कला संस्कृति की हो, उनकी सभी की पुरस्कार योजनाएं हैं जी। जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी का मेरा पुरस्कार है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार हैं, वो युवा पुरस्कार से लेकर के और हमारे जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनको भी देते हैं जी। उसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर भी अपने स्तर पर ये पुरस्कार देती है जी। राजस्थान ललित कला अकादमी भी पुरस्कार देती है, अपने सीनियर आर्टिस्टों को भी देती है, उसके अलावा युवा पुरस्कार भी हम देते हैं जी। और इनकी समय समय पर इनके कॉम्पिटिशन्स, इनकी प्रतियोगिताएं हम आयोजित करते रहते हैं और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो विजेता होते हैं उनको भी पुरस्कार देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं जी। हमारा प्रयास रहता है कि इन सभी अकादमियों का जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा राजस्थान रहे और ऐसा नहीं हो कि राज्य स्तर पर इन लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर सके। प्रयास ये रहता है कि इन सभी अकादमी की गतिविधियां हैं हमारी वो न केवल जिला स्तर पर हो, बाकी जिला स्तर से नीचे भी जाए, तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वहां की जो कला के लोग हैं वो भी उभर कर सामने आए और उनको भी पुरस्कार मिले जी। श्री उमराव सालोदिया साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने कला संस्कृति साहित्य और पुरातत्व विभाग संबंधी बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत